ये है दिल्ली दर्पण, दिल्ली एनसीआर का नंबर वन वेब चैनल। दिल्ली सरकार के शहरी आश्रय सुधार बोर्ड ने डीडीए लैंड पर दो बड़े पब्लिक टॉयलेट वजीरपुर और मॉडल टाउन के स्लम एरिया के नजदीक बनाए, लेकिन इन दोनों ही टॉयलेट को डीडीए ने ढहा दिया। इस कार्रवाई में जनता की खून पसीने की कमाई का लाखों रुपए तो खर्च हुआ ही, साथ ही टॉयलेट्स की उम्मीद कर रहे गरीब लोगों को भी निराशा हाथ लगी। ये जो शौचालय आप देख रहे हैं, ये विधायक के फंड से बन रहा था और ये मोस्टली मतलब ये पूरा हो ही गया था काम, लेकिन ये किसी कोई कारणवश रुक गया ये। और जिस जैसे आपने देखा भी वहाँ शौचालय में जाके कि मतलब वहाँ पे कितनी भीड़ रहती है, ये शौचालय बन जाता तो हमें बहुत सुविधा हो जाती। ये एक जो रोडों पे बनी हुई थी, उन्हें रोडों पे पहले तोड़वा दिया। हम मना कर रहे थे नहीं टूटेंगी, पर उन्होंने तोड़वा दिया। बोला हम आपको लैटरिन बनवा के देंगे। पार्क में यहाँ पर खड्डा कराया पब्लिक को पागल बनाने के लिए, बेवकूफ बनाया पब्लिक को, बस फिर काम रुकवा दिया। आप विधायकों का आरोप है कि इन टॉयलेट्स को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के दबाव के चलते तोड़ा गया। जिस ग्रीन लैंड पर ये बने थे, वहाँ की RWA इसका विरोध कर रही थी। RWA भी मानती है कि जो जगह टॉयलेट्स के लिए चुनी गई वो सही नहीं थी। इतने शौचालय हमने बनाए जो लोग खुले में जा रहे थे उनकी गंदगी को रोकने के लिए, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी खुद कहे जा रहे थे स्वच्छ भारत अभियान, लेकिन उनके ही MP डॉक्टर हर्षवर्धन ने वो 9 शौचालय तोड़वा दिए। तोड़वाने के बाद दिल्ली सरकार ने उनके पास में 50 लाख रुपये के नुकसान की भरपाई के लिए एक नोटिस भेजा है, जो उस वक्त के UD मिनिस्टर वेंकटा नायडू जी को भेजा गया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको लैंड भी अलॉट करी थी कि वहाँ पर आप जो इसके लिए शौचालय बनवाइए, लेकिन वो शौचालय उन्होंने गलत जगह पे बनाने चालू कर दिए। फिर कोर्ट से हमें जाना पड़ा और कोर्ट में जाके उसको रुकवाना पड़ा। तो हम उसके शौचालय बनने के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि शौचालय वहाँ बने जहाँ बनने चाहिए। जाहिर है दिल्ली में शौचालय भी सियासत के शिकार होने से नहीं बच सके। वजीरपुर के विधायक राजेश गुप्ता कहते हैं कि डॉक्टर हर्षवर्धन ने ये करवाया है अपने BJP नेताओं को खुश करने के लिए। ये पब्लिक टॉयलेट्स बाकायदा कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा करके बनाए गए थे। देश की आजादी के बाद देश की राजधानी दिल्ली में ही सरकारें यदि शौचालय तक की सुविधा सहज उपलब्ध नहीं करवा पा रही है, तो ये स्वच्छ भारत अभियान का माखौल नहीं बल्कि शर्म की बात है। दिल्ली दर्पण TV के लिए कैमरामैन योगेंद्र कुमार के साथ प्रदीप कोहली की रिपोर्ट। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर